हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो हेयर स्पा की वीडियो है। ये हेयर स्पा में मैट्रिक्स का कर रही हूँ। मेरे क्लाइंट के बालों की लेंथ आप देख लीजिए, फुल लेंथ है बालों की। इनको हेयर फॉल बहुत अधिक हो रहा था, इसलिए मैं इनको स्पा का सजेशन दिया। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले हम हेयर्स के स्मॉल स्मॉल सेक्शन लेंगे और अच्छे से ये क्रीम अप्लाई करेंगे। यहाँ बालों को हमने अच्छी तरह से गीला कर लिया है। थोड़े गीले बालों में हमको ये क्रीम अप्लाई करनी है। अगर हेयर फॉल हो रहा है, डेंड्रफ है बालों में बहुत, तो हेयर स्पा से काफ़ी कुछ हेल्प हो जाती है। हेयर फॉल रुक जाता है, डेंड्रफ ख़त्म हो जाती है, बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो मेरा सजेशन है कि हम लोगों को मंथ में एक बार तो हेयर स्पा करानी चाहिए। अच्छे से बालों में हमको लगानी है। पूरे बालों में इस तरह से हम ये क्रीम अप्लाई कर लेंगे। बालों में क्रीम अच्छे से अप्लाई हो जानी चाहिए। इस तरह से ये वाली स्टेप हम करेंगे। इसमें बाल में क्रीम पूरी तरह से एब्जॉर्ब होती है। कम से कम हमको 10 मिनट ये मसाज देनी है इस तरह से। उसके बाद हमने क्रीम बालों में अप्लाई की है, उसकी मसाज करेंगे पूरी। से पूरी क्रीम स्मज हो जाती है बालों में अच्छे से। इस तरह से स्मॉल स्मॉल सेक्शन लेके ये जैसे हम मसाज के स्टेप्स लेते हैं, वही सारी स्टेप्स हमको मसाज में लेनी है। एकदम रिलैक्सिंग मसाज हमको लेनी है, बहुत हेवी मसाज। स्टेप सारी लेंगे जो हम हेड मसाज में लेते हैं। और अगर फ्रेंड्स मैं बहुत सारा दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर मैं सारी स्टेप्स दिखाती हूँ तो, इसलिए मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में दिखा रही हूँ। Thank you.
की रिलैक्सिंग पॉइंट ले रहे हैं हम यहाँ पर, बालों के स्मॉल स्मॉल सेक्शन लेकर उसको हल्का सा ट्विस्ट करके हमको हल्का सा प्रेस करना होता है। मसाज हमारे कंप्लीट हो गई है, अब हम स्टीम देंगे। 5 से 10 मिनट स्टीम चलेगी, 10 मिनट्स मिनिमम हमको यहाँ स्टीम देनी है स्टीमर से। पर हमारी स्टीम कंप्लीट हो गई है, अब हेयर वॉश करेंगे हम। हेयर वॉश हमको अच्छे से कराना है जिससे जो क्रीम बालों में ये पूरी वॉश हो जाना चाहिए। उसके बाद फेस पैक अप्लाई करेंगे। ये हेयर पैक मैंने एक इस पर बनाया है, एक में मिक्स करके हेयर पैक बनाया है। इस हेयर पैक को बालों की रूट्स में अच्छे से हमको लगाना है और उसके बाद इसको हम आधे घंटे के लिए ऐसे बालों में छोड़ देंगे लगा करके। बालों की लेंथ में हमको पैक अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ बालों की रूट्स में हमको पैक अच्छे से अप्लाई करना है।